स्पाइस डेली हाउसवाइफ कुकिंग में आपका स्वागत है। तो कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे तेल। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें डालेंगे मिर्ची, हरी मिर्ची बारीक कटा हुआ, टमाटर बारीक कटा हुआ। तो डाल के इसको अच्छे से चलाएंगे और अपना चेहरा दिखा रहे हैं यूट्यूब को कि हम ही बना रहे हैं। अब इसको पालक को धो के अच्छे से कटिंग कर लिए, तो पालक को साग की तरह बनाएंगे। ऐसे बना रहे हैं शाही पालक पनीर, शाही पालक कोफ्ता बना रहे हैं, शाही पालक कोफ्ता, सॉरी, शाही पालक कोफ्ता बना रहे। तो पहले साग की तरह इसको बना लेंगे, तो बिना पीसे हुए और बिना मेहनत का कितना अच्छा बन के तैयार होगा। तो शाही बनाते काजू है, मूंगफली है, किशमिश है, सौंफ है और जीरा है और पचफोरन है और इसमें इलायची, गरम मसाला सब पीस दिए, पेस्ट बना लिए। और साग में 2 चम्मच बेसन डाल रहे हैं और इसमें डालेंगे काला तिल, जीरा और सौंफ और उजला तिल और नमक और मिर्ची का पेस्ट, अदरक मिर्ची का, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर सब तो हल्का हल्का डाल के और नमक डाल के इसको थोड़ा सा तेल डाल के इसको गोल गोल कोफ्ता की तरह तैयार कर लेंगे। हाथ से ही देखिए ऐसे करके तैयार कर लेंगे। अब कढ़ाई चढ़ाएंगे, कढ़ाई गर्म हो चुका है तो अब इसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है तो अब इसमें कोफ्ता जाएगा। तो कोफ्ता देखिए बहुत हेल्दी और टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी होता है। पालक अपने आप में हेल्दी है और इसमें जो डाले हैं काजू और किशमिश, मूंगफली, ये सब भी हेल्दी है। तो बहुत हेल्दी और टेस्टी बन रहा है सब्जी। बच्चे भी खाएंगे, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा क्योंकि बहुत ही टेस्टी सब्जी है। तो देखिए अब कोफ्ता फ्राई हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब इसमें जीरा पजाएगा, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और इसमें जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, ये पेस्ट डाल दिए हैं। और अब इसको अच्छे से भूंजेंगे। तो ये भून चुका है, तेल छोड़ने लगा है। तो अब इसमें नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद इसमें पानी जाएगा ग्रेवी के लिए। तो ग्रेवी आप जैसा रखना चाहते हैं, हम मेरा छोटा फैमिली है तो हम कम ग्रेवी और ज़्यादा थिक ना, ज़्यादा पतला ऐसे ही रखे हैं। तो देखिए अब कोफ्ता डाल रहे हैं, तो देखिए बन के तैयार हो चुका है। तो अब इसमें धनिया पत्ता डालेंगे और बहुत टेस्टी बनता है। और इसको अब निकाल के थंबनेल के लिए दिखाएंगे आपको, बन के तैयार हो चुका है। आप पराठा पूड़ी किसी चीज़ के साथ अच्छे से खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, हम तो चावल के साथ बनाए हैं। तो थैंक यू गाइज, बहुत ईजी तरीके से।